हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मौज अकाउंट डिलीट कैसे करें हमेशा के लिए। हाँ गाइस, अगर आप भी अब मौज एप्लीकेशन में अपना अकाउंट बना लिए हैं और उसे डिलीट करना चाहते हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो कैसे कर सकते हैं, आज मैं आपको पूरा लाइव प्रोसेस आपको दिखाऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको मौज एप्लीकेशन ओपन कर लेना। चलिए मैं अपना मौज एप्लीकेशन ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद देखते हैं यहाँ पे ओपन हो रहा है एप्लीकेशन। चलिए हम एक दो सेकंड यहाँ पे वेट कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको आगे का जो प्रोसेस है इसका बताता हूँ क्या करना है। तो गाइस, उसके बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे कोने साइड में यहाँ पे देखेंगे एक प्रोफाइल का एक आइकन है, यहाँ पे आपको इस पर क्लिक कर देना है। चलिए हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे आपका प्रोफाइल ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको कोने साइड में तीन लाइन है, आपको तीन लाइन पर क्लिक कर देना है। चलिए हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे थोड़ा नीचे आ जाना, नीचे स्क्रॉल करना है। आने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा मोर का ऑप्शन, आपको इस पर क्लिक कर देना। चलिए हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा डिलीट माई डाटा, आपको इस पर क्लिक कर देना है एक बार। इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको प्रोसेस का एक ऑप्शन आ जाएगा, आपको यहाँ पे प्रोसेस पर क्लिक कर देना है। इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है डिलीट अकाउंट। आपको यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर डाल देना है, अपना मोबाइल नंबर डाल देना है जिस मोबाइल नंबर से मौज एप्लीकेशन बना हुआ है। चलिए मैं अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल देता हूँ। तो गाइस, मोबाइल नंबर डालने के बाद चलिए मैं यहाँ पे इस मार्क पर क्लिक करता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। चलिए मेरे मोबाइल नंबर पे यहाँ पे ओटीपी आ चुका है, ऑटोमेटिक ये खुद ले लिया है। उसके बाद मैं आपको आगे का यहाँ पे देखते हैं आगे का आप प्रोसेस आ गया है। चलिए मैं आपको बताता हूँ करना क्या है। यहाँ पे आ गया डिलीट अकाउंट। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे एक ईमेल का ऑप्शन है, यहाँ पे ईमेल का ऑप्शन है, आपको अपना ईमेल आईडी डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे फ़ोन नंबर का एक ऑप्शन है, आपको अपना फ़ोन नंबर डाल देना है जिस मोबाइल नंबर से आपका मौज एप्लीकेशन बना हुआ है, मौज अकाउंट बना हुआ है, वो मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल देना है। और आपको यहाँ पर रीज़न डाल देना है कि आप किस वजह से अपना अकाउंट डिलीट करना चाहता है। चलिए मैं यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी मैं डाल के मैं आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ। तो गाइस, यहाँ मैं अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर ईमेल आईडी डाल दिया हूँ। उसके बाद आपको थोड़ा नीचे आ जाना, नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको रीजन सेलेक्ट कर लेना है। आपको यहाँ पे लिखना क्या है, मैं यहाँ पे लिखा हूँ आई वांट टू डिलीट माय अकाउंट, आपको भी यहीं पे टाइप कर देना है। उसके बाद आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन आएगा सबमिट का, आपको सबमिट वाले पर क्लिक कर देना है। चलिए हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा है हाउ आर यू थ्रू, आपको यहाँ पे कन्फर्म बोल रहा है, आपको कन्फर्म कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक दो सेकंड वेट करना है। यहाँ पे देखते हैं रिक्वेस्ट हैज बीन सक्सेसफुल रजिस्टर्ड, आपका जो रिक्वेस्ट है वो सक्सेसफुल हो चुका है दोस्तों। अब जो आपका अकाउंट है 30 दिन के अंदर आपका डिलीट हो जाएगा। उसके बाद 30 दिन के पहले आपको अपना अकाउंट लॉगिन नहीं करना है, आपको 30 दिन तक वैसे ही रहने देना है लॉगआउट। उसके बाद जो आपका अकाउंट है 30 दिन के अंदर हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगा दोस्तों। सो गाइस, ऐसा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर दोस्तों आपको कोई सुझाव हो तो आप कमेंट करके जरूर बताना, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।